सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में, एक ऐसा चीज़ जो हमारे ट्रेड को पूरी तरीके से सेफ करके रखता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में अगर बड़ा लॉस नहीं लेना है तो हमें स्टॉप लॉस यानी SL को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके का ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, बहुत तरीके का ट्रेडिंग। पर इन सारे ट्रेडिंग में एक चीज़ कॉमन है, स्टॉप लॉस। आप किसी भी तरीके का ट्रेडिंग क्यों ना करो, अगर आप SL नहीं लगाते हो तो शायद सिंगल ट्रेड में ही आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, और ये रियलिटी है स्टॉप लॉस का। देखो, इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को पहचाना जाता है कि कहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस के इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी बिगनर ट्रेडर होता है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता है। क्यों नहीं लगाना चाहता है उसका मैं रीजन बताऊंगा। और जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तब मैं खुद स्टॉप लॉस को नहीं लगाता था, तब मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आने वाले टाइम में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस है क्या, और इसे एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। मान लो आपने कोई दुकान खोला और उस दुकान में बहुत सारा सामान लाकर इकट्ठा कर दिया। 1 से 2 महीने बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि मेरी दुकान में कुछ ऐसे सामान जो है जिसका बिक्री हो ही नहीं रहा है, तो क्या दोबारा उस सामान को आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या होता है, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनको तो सबसे पहले पता ही नहीं होता है कि स्टॉप लॉस लगाना ही क्यों ज़रूरी है। अगर कोई ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है तो उसको मैन्युअली एग्जिट कर जाएंगे, तो फिर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा? पर यह चीज़ हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हम जिस तरीके से मार्केट को सोचेंगे कि इस तरीके से मूवमेंट देगा, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। और प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ये बात आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि अभी का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। कभी कभी 2 से 3 घंटा मार्केट साइडवेज रहने के बाद केवल सिंगल कैंडल में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। तो आप खुद इमेजिन करो, किसी ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो केवल सिंगल ट्रेड में हो सकता है कि उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। देखो, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मुझे खुद रियलाइज़ होता था किसी भी ट्रेड में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उसको मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा, स्टॉप लॉस लगाने का क्या ज़रूरत है? और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में भी चलता होगा जो ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किए हैं। पर मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ अपने दिमाग का, हम अपने पैसे को कभी लॉस में जाते हुए देख ही नहीं सकते हैं। मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया 3,000 का, अब उस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा 1,000 का लॉस हो जाता है। अब अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा स्टॉप लॉस 300-350 मैक्सिमम होना चाहिए था, पर उस ट्रेड में मेरा 1,000 का लॉस हो जाता है। अब मेरा माइंड क्या बोलेगा कि ब्रदर 1,000 का लॉस हो चुका है, अगर वो थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा, 700-600 के लॉस पर आ जाएगा, तब हमें उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। हो सकता है कभी कभी वो ट्रेड 600 या 700 के लॉस पे आ भी जाता होगा, फिर हमारा माइंड ये बोलता है कि थोड़ा सा और लॉस कम हो जाएगा तब मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, और अल्टीमेटली जो 1,000 का लॉस था वो कभी कभी 3,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नॉर्मल बात है, सभी लोग के साथ होता है। पर यही चीज़ जो ओवरकम कर लेता है वही ट्रेडिंग में थोड़ा सक्सेसफुल हो पाता है, वही ट्रेडिंग को धीरे धीरे सीख पाता है अच्छे से। देखो, ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी अलग है पर हमारा इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। हम लोग उसी एग्जांपल से ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। दुकानदार को ये पता था कि मेरे दुकान में ये कुछ ऐसे सामान है जिनका बिक्री नहीं हो पा रहा है, पर 2 महीने बाद एक ऐसा कस्टमर आता है जिसको वही सामान चाहिए जिसका बिक्री नहीं हो पा रहा था। पर लॉजिकली देखिए तो क्या वो दुकानदार वापस उस सामान को दोबारा खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होता है। मान लो आपने 10 ट्रेड लिया, उसमें से हो सकता है कि 2 से 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाए, और हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि काश इस ट्रेड में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। पर हम उस 6 से 7 ट्रेड को भूल जाते हैं जिसमें मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है। फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो शायद मेरा बड़ा लॉस हो सकता था। देखो, सिस्टम में स्टॉप लॉस सही तरीके से कैसे लगाते हैं इसका मैं सेकेंड पार्ट तो ज़रूर बताऊँगा, पर इस वीडियो का मेन मोटिव यह है कि स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करता है। तो मार्केट में जब तक आप SL को नहीं लगाओगे तब तक आपका कोई भी ट्रेड सेफली नहीं कहलाएगा। आप खुद से एक सवाल पूछना, जिस दिन आप ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो क्या उस दिन आपको बड़ा लॉस देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता? और प्लीज ऑनेस्टी के साथ इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इस वीडियो का मोटिव यह है स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि वही लोग SL को इग्नोर करते हैं। आप अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं और बिना स्टॉप लॉस के करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। बाय।